तो अब इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था जिसमें हम लोगों ने कुछ इनपुट टाइप्स दिए थे। इनपुट सिर्फ हमने टाइप के एट्रीब्यूट देखो देखा था और इनपुट के टैग को देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये फॉर्म बनाया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने जस्ट इनपुट के, हम लोगों ने लेबल के टैग को देखा था जिसके जरिए मैं लेबल प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट के इनपुट फील्ड के आगे, और एक इनपुट के टैग को देखा था जो हमारा इनपुट फील्ड क्रिएट करता है, और टाइप के एट्रीब्यूट को देखा था कि वो इनपुट फील्ड किस टाइप की होनी चाहिए। लेट्स से ये टेक्स्ट टाइप की होंगी तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट आएंगे सारे के सारे, और अगर नंबर टाइप की होंगी तो इसमें सब कुछ मैं नंबर वगैरह टाइप कर सकता हूँ। तो अब अगर मुझे इस फॉर्म को पेज के सेंटर पर लाना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिफ टैग के अंदर बंद करना पड़ेगा। मैंने यही किया है, मैंने अभी अभी रिसेंटली ये पूरे फॉर्म को मैंने कहाँ रखा है, डिफ टैग के अंदर रखा है। लेट मी शो यू दिस वे, ये मेरे पास एक डिफ का टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और उसके सेंटर पे मैंने फॉर्म का टैग यूज किया है। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं क्या करता हूं, मैं इंटरनल स्टाइल शीट, मैं इंटरनल स्टाइलिंग यूज करके एक क्लास बना लेता हूँ, माई फॉर्म पोजिशन नाम के एक क्लास बना लेता हूँ। और इस क्लास में मैं सबसे पहले कंटेंट की विड्थ सेट कर देता हूँ मैक्स कंटेंट, और हाइट सेट कर देता हूँ मैक्स हाइट। उसके बाद पोजीशन रिलेटिव करके लेफ्ट से 300 पिक्सल, टॉप से भी 300 पिक्सल, लेट से 300 पिक्सल, 300 पिक्सल करना काफी है। तो क्या सिर्फ इतना लाइन लिखने से मेरे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा डिव पर, मेरा फॉर्म सेंटर पर हो जाएगा? अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या मिस कर रहा हूं मैं अभी भी? अभी उन सबको छोड़ो, अभी अभी मैं क्या मिस कर रहा हूं, पैडिंग तो एक अलग चीज है, पैडिंग अलग चीज है, उसको छोड़ो। मैंने यहां पे क्लास तो बना ली, जिसमें अपना कोड लिख लिया, पर मैंने ये क्लास किसी पे अप्लाई किया अभी तक? ये मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास में मैंने ये सारा का सारा सीएसएस का कोड लिख दिया है, क्या मैंने अभी तक यहां पे किसी एलिमेंट को क्लास दी है? नहीं। तो मैं किसको क्लास दूंगा, ये जो मैंने ऊपर क्लास बनाई है ये किसके लिए अप्लाई करूंगा, फॉर्म पे नहीं डिव के ऊपर। ये क्लास मैं किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, डिव के ऊपर, क्योंकि मुझे डिव को मूव करवाना है। तो क्लास माई फॉर्म पोजिशन मैंने क्लास यहां पे अप्लाई कर दी, लेट सी चेंजेस। तो मेरा फॉर्म यहां पर आ गया, कुछ यहां पर आ गया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सी, मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, चारों तरफ से 20 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी इस लाइन के जरिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से 20 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। और लेट से मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर ग्रीन 5 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रीन, मैंने ये बॉर्डर दे दिया। और इस बॉर्डर को कुछ कर्व करने के लिए बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, कर्व करने के लिए बॉर्डर रेडियस का हम लोगों ने देखा था, मैं यहाँ पे 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो लेट्स सी, अब ये मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा फॉर्म कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको टॉप की तरफ से ज्यादा हो गया, टॉप की तरफ से मुझे इसको 250 कर देना चाहिए, और लेफ्ट की तरफ से मुझे इसको 550 कर देना चाहिए एग्जैक्ट सेंटर पे होने के लिए। तो ये अब कुछ कुछ सेंटर पर है, अब ये 500 ही कर देते हैं। तो ये अब मेरा फॉर्म कुछ ना कुछ सेंटर पर है, पर अभी तक इनकी अलाइनमेंट सही नहीं है, पर अभी तक इन चीजों की अंदर जो मेरे इनपुट फील्ड्स हैं और लेबल्स हैं उनकी अलाइनमेंट सही नहीं है। बाकी सब कुछ तो परफेक्ट हो गया, पर इनकी अलाइनमेंट सही नहीं है। अब इनकी अलाइनमेंट के लिए हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, मैं अपने इस इनपुट फील्ड को टेबल में रख सकता हूँ, और टेबल में हमें पता है जो भी डेटा रखते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अलाइन हो जाता है। तो मैं अपने इनपुट फील्ड्स का डेटा टेबल में रख सकता हूँ, क्लियर है यहां तक? तो लेट्स सी,
कि मैं टेबल में किस तरह से रखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल इन्हें यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ, एक टेबल का टैग बना लेता हूँ। टेबल के टैग के अंदर मुझे कॉलम की हेडिंग चाहिए। क्या यहाँ पे मुझे कॉलम्स के लिए कोई हेडिंग चाहिए? नहीं, मुझे कॉलम्स की हेडिंग नहीं देनी। तो कॉलम की हेडिंग हमारे टेबल के हेड सेक्शन में आता था? नहीं, मुझे कॉलम का हेडिंग का सेक्शन हमारे पास हेड सेक्शन में आता था, तो मैं कॉलम की हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई करता हूँ, एक टेबल रो क्रिएट करता हूँ, और उस डायरेक्ट अगर हम टेबल हेडिंग नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल में सब म्यूट है, बट लेट मी चेक इट अगेन, फहद म्यूट नहीं है। ओके, ओके, तो अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं कॉलम के लिए, अगर मुझे टेबल हेड देने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलम्स के हेडिंग नहीं चाहिए, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मुझे ऊपर कॉलम्स की कोई भी हेडिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं टेबल हेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई भी कॉलम्स की हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैं टेबल हेड नहीं दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं टेबल हेड नहीं दे रहा हूं तो मुझे टेबल बॉडी देने की भी नीड नहीं है। मैं सिंपल एक टेबल, सिर्फ अब मैं टेबल शो करने के लिए टेबल नहीं बना रहा हूं, अपने डेटा को अलाइन करने के लिए टेबल बना रहा हूं। तो मैं टेबल हेड एंड टेबल बॉडी दिए बगैर एक टी रो क्रिएट कर सकता हूं, और इसके अंदर मैं जो फर्स्ट टीडी में अपने लेबल को पास कर दूंगा, फर्स्ट टीडी में मैं यहां से लेबल रख देता हूं, और जो सेकंड टीडी मतलब सेकंड कॉलम में इनपुट फील्ड को रख देता हूं। इसी तरह से मुझे बीआर टैग की नीड नहीं है, क्योंकि टेबल रो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर ले जाएगा मुझे। टेबल रो का एट्रीब्यूट, अब यहां पे ये मैंने एक इनपुट फील्ड ऐड कर दिया एक रो में। इसी तरह से मैं एक और सेपरेट रो क्रिएट करता हूं। अब इस सेपरेट रो में फिर एक टीडी, यहां पे क्या रखूंगा मैं, लेबल, अगेन एक और टीडी क्रिएट करूंगा, अगर बीआर देंगे तो सही होगा, बॉक्सेस के बिटवीन नहीं, तो वो हम लोग बीआर दे के लाइन तो चेंज कर रहे हैं, पर हमारे जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से अलाइन नहीं हो रही हैं, इसी वजह तो इसे अब यहाँ पे दूसरा टीडी, टेबल वाले लेक्चर को गौर से सुनना समझ में आ जाएगा क्या था ये। हम लोगों ने टेबल का जब लेक्चर किया था तो मैंने ये कंप्लीट डिफाइन किया था। अगेन एक और टी आर, यहां पे मैं क्या पास करूंगा, मैं फिर से इस टी आर में टेबल डेटा के अंदर यहां पे एक टेबल रो, अगेन फिर से टेबल डेटा, और यहां पे मुझे टेबल के लिए इनपुट फील्ड्स। रिमेनिंग लास्ट कॉलम हमारे पास सेल नंबर है टीडी, सेल नंबर, अगेन वंस अगेन टीडी, और यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे जी, बिल्कुल चार टीआर बनाए, क्योंकि हमारे पास चार इनपुट फील्ड्स थी, चार टीआर बनाए हैं, और उसके अंदर इस टेबल के बाहर वाले कोड की अब मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूं। टेबल के बाहर वाले कोड की नीड नहीं है, तो अब देखना हमारे फॉर्म में क्या चेंजेस आई थी। अब देखो ये सब अलाइन हो गए, ये सब एग्जैक्ट एक पोजीशन में अलाइन हो रहे हैं, तो अब ये हमारे पास टेबल की वजह से एक पोजीशन में अलाइन हो गए। लेट मी ब्रेक इट,
मैं इसे एक दफा ब्रेक करता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। मेरे पास ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये कंप्लीट एक टेबल है। इस टेबल के अंदर, लेट मी चेंज कलर, इस टेबल के अंदर एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। अब एक टेबल के अंदर दो कॉलम्स है मेरे पास और ये एक एक रो है, ये सिंगल एक रो है। इसके अंदर पहला टीडी टेबल कॉल टेबल डेटा, दूसरा टेबल डेटा, और मैंने यहाँ पे मुझे हेडिंग की नीड नहीं थी तो मैंने टेबल हेड नहीं दिया, और अगर मैंने टेबल हेड नहीं दिया तो मुझे टेबल बॉडी देने की भी नीड नहीं है। मैंने सिंपल सिर्फ डेटा को, सिर्फ और सिर्फ डेटा को